अरे कितना इच्छा कितना दस बार लेके भैया अरे आना रे करे बाबा कितना है अंदर तू ले ले सीधा घर पे घर पे उसका लेके जाओ उसका लेके जाओ खाने लेके जाओ रुक जाओ बच्चा रुक जाओ भैया खाने लेके जाओ खाना अरे आ जाओ अब बच्चे लोगों को दे दो इधर देखो कैमरे के सामने फेस जय हिंद मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, मैं आशीष लालवानी एवीपी न्यूज, मेरी टीम और कैमरामैन अली मुल्ला के साथ एक ऐसी जगह पे आया हूं जहां आपने सुना होगा पर कभी महसूस नहीं किया होगा। मैं बात कर रहा हूं उस जगह की जहां बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, जहां अनाथ बच्चे अलग अलग तरीके के नशे करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस जगह की जिसे हम कहते हैं धारावी। इनका ख्याल कैसे रखा जाए, कौन रखेगा, चलिए आज मैं आपको बताऊंगा। हमने एक फाउंडेशन है जिनके बारे में बहुत सुना था अलग अलग लोगों से, पर आज हमने एक सरप्राइज विजिट करके ये चीज देख भी ली और महसूस भी कर ली। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरुणोदया फाउंडेशन की, जिनके फाउंडर है अरुण कुंचिकोर। चलिए हम आज उनसे आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या अलग किया है इस दिवाली, क्योंकि जो हमने सुना था, जो हमने सोचा था, वो सही निकला। क्योंकि अगर आप देखोगे कि हाई सोसाइटी वाले क्या करते हैं दिवाली के शुभ अवसर पे, पार्टी करेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे, महंगे महंगे फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, सेल्फी क्लिक करेंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, लाइक्स लेंगे। पर इन सब के अलावा जो आज हमने देखा है वो शायद से हार्डली कोई इंसान करेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस दिवाली के शुभ अवसर पे जहां हमने अरुणोदया फाउंडेशन के फाउंडर अरुण जी के साथ हमने ये महसूस किया है कि उन्होंने हजार बच्चों को खाना और फ्रूट्स दिया है आज सुबह। तो चलिए बात करते हैं अरुण जी के साथ कि कैसे करते हैं वो इतना कठिन काम इतना आसान, क्या क्या कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है, क्या क्या परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अरुणोदया फाउंडेशन के फाउंडर के पास, जिनका नाम है अरुण कुंचिकोर। मेरा नाम है अरुण कुंचिकोर और मेरा फाउंडर का नाम है, फाउंडेशन का नाम है अरुणोदया फाउंडेशन। अरुणोदय फाउंडेशन पिछले 8 साल से धारावी में रिसर्च कर चुके हैं,
और डी एडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जो अनहोन पेशेंट होते हैं, लावारिश होते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और ये काम आगे भी करते रहेंगे हमारा टीम। और यहाँ पे लॉकडाउन से जो मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है, एवरी मंथ 2 या 3 बार मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ और एवरी वन इवेंट पे कम से कम 500 से 1000 बच्चों को हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट डे आ गए तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए, जैसे कुछ आपातकाल आ गए, रिस्क मिशन हुआ, वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस गांव में मेडिसिन फ्री करते हैं और ये काम करते रहेंगे अरुणोदय फाउंडेशन धारावी में। और धारावी में यहाँ पे काफ़ी डी एडिक्शन भी ज़्यादा है, जो छोटे बच्चे 14, 15, 16 साल के बच्चे लोग हैं जो MD पाउडर, गरत, चरस, गांजा, दारू के सेवन लेकर काफ़ी मेंटली प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी टाइम से ये हो रहा है। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट कुछ कोई साथ नहीं दे रहे, ना पुलिस कोई साथ नहीं दे रहे, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ड्रग्स तो रोक नहीं सकते लेकिन जिसको छोड़ना है कम से कम वो उसको तो छुड़ा सकते हैं। जैसे कि मैं उनको पिकअप करके डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट करता हूँ मैं, और अनहोन पेशेंट है उनके लिए आश्रम में एडमिट करता हूँ। यानी कि मेरे फाउंडेशन से जितना होगा उतना वो काम पूरी कोशिश से पूरे करते हैं और ये काम आगे भी करता रहेंगे। और आज इस दिवाली के अवसर पर मैंने कुछ 1000 बच्चों को हमारे फाउंडेशन ने फूड डिस्ट्रीब्यूट किए और कुछ बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए, तो कुछ अच्छा सा लगा कि दिवाली इस तरह से बनाया जाए। क्योंकि काफ़ी मैंने देखा हाई सोसाइटी में पार्टीज जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और कुछ पटाखे लेते हैं 10-20 लाख रुपए के और धुएं में उड़ा देते हैं, उससे पोल्यूशन होते हैं, उससे एनिमल्स में भी प्रॉब्लम्स आते हैं और उससे काफ़ी जो एजिड है उनको पोल्यूशन से उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस साल मैं कुछ अलग करूँ और मैं कुछ अलग किया यहाँ पे और मुझे आज सर्टिफिकेशन मिला, एक आत्मशांति मिला। यहाँ पे 1000 बच्चों को मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया हमारी टीम मिलकर और मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे परिवार को बहुत खुशी मिला। और AVP न्यूज़ के मैं शुक्रगुजार करता हूँ, हमारे एंकर है आशीष सर, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने आके इंटरव्यू लिए, उन्होंने ग्राउंड वर्क में देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इनको दोनों को, इनकी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि पूरे समाज को कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तो जैसे कि आपने अरुणोदया फाउंडेशन के जो ओनर है अरुण जी, जैसे कि उन्होंने जो 8 साल से इतनी कड़ी मेहनत वो कर रहे हैं इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उन गरीब बच्चों, बूढ़े माँ बाप को करने के लिए, उनको पिलाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप इस फाउंडेशन की कुछ भी मदद कर सकते हैं, या डोनेशन से या फिर कोई भी बुक या क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन करके, आप प्लीज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स ये फाउंडेशन के बारे में है, आपको मोबाइल नंबर, इनका ईमेल एड्रेस, उतना ही नहीं इनका एड्रेस एज वेल, जहाँ पे आप यहाँ पे आ सकते हैं, अरुण जी से बात कर सकते हैं, जो भी आपको देना हो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।